हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है छोटे भाई ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे, देखिए ये जो आयसर का गाड़ी है और इधर ये देखिए टाटा का है, टाटा सिग्ना, दोनों में से कौन बेस्ट है। तो प्राइस की बात करें तो टाटा से ज़्यादा प्राइस का है, ये ज़्यादा दाम है इसका आयसर। इसका मॉडल भी देख लेते हैं, चलिए इसका मॉडल देखिए, प्रो 60 28, उससे ज़्यादा दाम है इसका, ठीक है। लोड कैपेसिटी सेम है, इंजन पावर इसका ज़्यादा है, इसमें वोल्वो इंजन दिया गया है आयसर में, इसमें टाटा का अपना इंजन है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं दोनों में से लोड कैपेसिटी की, तो दोनों में लोड कैपेसिटी एक ही जैसा दिया गया है, उसमें जितना लोड लेगा उसमें भी उतना ही लोड लेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों जो गाड़ी है, बाकी सब कुछ सेम दिया गया है। इसमें माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज इसमें कम आएगा टाटा में, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा आयसर का है इसलिए, ठीक है। दोनों ही BS6 गाड़ी दिया गया है, दोनों BS6 गाड़ी है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखिए BS6 गाड़ी है ये भी, और ये भी BS6 गाड़ी है, ठीक है। ये जो आयसर है ये माइलेज के लिए जाना जाता है, इसमें एक खूबी और दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है एम बूस्टर प्लस, इसी के लिए माइलेज ज़्यादा आता है। अगर ये सही से चले ऑन रोड तो इसका माइलेज ज़्यादा आएगा टाटा से। अगर गाड़ी की लंबाई की बात करें तो ये भी 25 फुट है, और ये टाटा है, ये भी 25 फुट का लंबाई है, दोनों सेम लंबाई दिया गया है, दोनों ही 10 का है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो मेरा आप तक पहुँचता रहे।